और सभापति के अपमान पर जेपी नड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया और कहा है कि कुछ सांसदों ने जोकर का काम पकड़ लिया है। संसद में वाद विवाद की जगह नकल का काम अब शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता किसान पुत्र का अपमान कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा। अब अपोजिशन को आड़े हाथों लिया गया है। क्या कुछ जेपी नड्डा की ओर से कहा गया है यह भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन सभापति के अपमान पर जेपी नड्डा की ओर से बड़ा बयान। कुछ सांसदों ने जोकर का काम पकड़ लिया है। बजाय कि हेल्दी डिबेट करने के, बजाय कि डेवलपमेंट पर बातचीत करने के, वाद विवाद करने के, अब मौकरी की जा रही है। कांग्रेस नेता किसान पुत्र का अपमान कर रहे हैं नड्डा ने, ये तमाम बड़ी बातें हैं जो कही हैं। कांग्रेस नेता किसान पुत्र का अपमान कर रहे हैं और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी नाराजगी जताई थी। आप लोगों ने संसद में देखा होगा, आप संसद में नेताओं को भेजते हो कि वो वाद विवाद करें, लेकिन संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया। उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया। आपने देखा होगा कि एक सांसद, भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं, संसद के प्रांगण में उनकी नकल की जा रही है, और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहा है। ये भी आज हमको देखना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके बारे में कहते हैं कि 100 साल से ज्यादा का इतिहास है, उसका नेता एक नकलची की उसकी वीडियो बनाए, और वो उपराष्ट्रपति कौन है भारत के संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हमारे धनखड़ जी, वो किसान पुत्र हैं, वो पिछड़ों के नेता हैं। इनकी हिस्सेदारी तय की है और उसी समय में ये ऐतिहासिक सदन में करीब करीब 150 साल पुराने 3 कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली को गवर्न करते हैं, वो तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता का चिंता करने वाले बहुत आमूलचूर परिवर्तन लेकर मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड, इसकी जगह जो इंडियन पिनल कोड 1860 में बना,